Hi everyone, welcome to Dr. Gunjan's classes. I'm Dr. Gunjan and today we are going to do the part 8 of chapter number 4, Carbon and its compounds. So you all know ये हमारी class 10 के first unit का 4th chapter है और इसके 7 parts हम already कर चुके हैं. ये 8th part है और सभी parts की मैंने links और जो इनकी videos की links हैं वो description box में mention कर दिए हैं. So kindly go through those videos and watch this video as well. Thank you and let's start with our video part 8. So what are the topics we'll be covering? First topic is some important carbon compounds. हम कुछ carbon compounds के बारे में पढ़ रहे हैं. तो basically हम दो carbon compounds के बारे में पढ़ने वाले हैं. First is ethanol and second is ethanoic acid. तो इस video में हम लोग ethanol के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो इथेनॉल और इथेनोइक की एसिड के बारे में हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज पहली चीज तो ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखी है. ठीक है. एंड व्हाई इट इज सो, व्हाई इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, जस्ट दीज टू कंपाउंड्स, बिकॉज दीज टू कंपाउंड्स हैव लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रियल वैल्यू टू अस. ठीक है. तो इसकी बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल वैल्यू है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ये दो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. ठीक है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए. इथेनॉल स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट कंपाउंड इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों प्रॉपर्टीज हम देखेंगे. सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द इथेनॉल. इथेनॉल की अगर आप बात करें तो अगर आप इसका आयुपैक नेम देखें, इथेनॉल तो हो गया कॉमन नेम है ना, आयुपैक नेम देखें तो क्या होगा, इथाइल एल्कोहल. इथाइल, इथाइल एल्कोहल मीन्स इथ मीन्स टू कार्बन, आइल मीन्स ट्रिपल बॉन्ड. सॉरी, इथेनॉल तो हो गया आयुपैक नेम एंड इथाइल एल्कोहल इसको और भी बोला जाता है. ठीक है, इथाइल मींस टू कार्बन कंपाउंड्स. ठीक है, दो कार्बन कंपाउंड्स इसमें प्रेजेंट है एंड एल्कोहल मींस इसमें एल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है. सो इसको इथाइल एल्कोहल बोला जाता है. वेयर एज अगर आप इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसमें सिंगल बॉन्ड लगे होते हैं. अगर हम इसका स्ट्रक्चर डिजाइन करें या ड्रॉ करें, दो कार्बन एटम्स हैं इसमें, पांच हाइड्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं, पांच हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं और एक हाइड्रोजन को OH ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया और वो इथेनॉल बन गया. ठीक है, ओल ग्रुप लग गया साथ में और इसका अदर नेम है इथाइल एल्कोहल. और इसकी अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो ये कलरलेस लिक्विड है. ये रूम टेम्परेचर पे एक कलरलेस लिक्विड की तरह प्रेजेंट होता है. ठीक है, इसका कॉमन नेम है इथाइल एल्कोहल. दैट्स व्हाई मैं उसको आइल को कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग सिंगल नॉट होता है तो आइल कैसे लगा, बट आई एम सॉरी अबाउट दैट, इट्स अ कॉमन नेम और इसका जो आयुपैक नेम है वो इथेनॉल. ठीक है, और इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप लगा होता है OH और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है. लो मेल्टिंग पॉइंट यानी कि 156 केल्विन है इसका मेल्टिंग पॉइंट और 78 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट. और ये पानी में बहुत अच्छे से सॉल्यूबलाइज हो जाता है और इसकी सॉल्यूबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी बहुत अच्छी है. ठीक है, और ये अल्कोहलिक कम ड्रिंक्स जो होती है, जितने अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं उसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो इथेनॉल ही रहता है. बट इटसेल्फ अगर आप इथेनॉल की बात करें, अगर आप प्योर इथेनॉल की बात करें तो ये क्वाइट डेंजरस है, इसको आपको नहीं पीना चाहिए. इसकी स्मॉल अमाउंट भी, इनटेक ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ द इथेनॉल is quite dangerous for us. ठीक है, और it's a neutral substance. ये neutral substance है, इसमें कुछ भी मतलब ना ये acidic है ना ही ये basic है, तो इसमें कोई भी litmus paper का change नहीं, effect नहीं आता. और अगर आप इसको oxygen की presence में burn करेंगे तो ये blue flame के साथ burn होगा. ठीक है, so its combustion is an oxidation process. ठीक है, so this is about the physical properties of ethyl alcohol. Ethyl alcohol, मेरी तरह confused मत होइएगा, ethyl alcohol के इसका common name है और इसका IUPAC name लिखने की कोशिश कीजिए. इसका IUPAC name है, दो carbon है तो it. ठीक है, और एक carbon, एक hydrogen को किसने replace कर दिया हमारे OH group ने, तो ol, ethanol. ठीक है, ethanol. so this is the IUPAC name. So this is about the physical properties. Let's come to the chemical properties of the ethanol. So chemical properties में सबसे पहले हम लोग oxygen से reaction करने वाले हैं, यानी कि combustion reaction. तो जब sufficient amount of oxygen जब इसको मिलता है ethanol को,
तो ये अच्छे से बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, वाटर रिलीज करता है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है ना। सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन क्या है, एल्केलाइन के एम एन ओ फोर कैटलिस्ट का काम करता है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज होने का मतलब ऑक्सीजन का एडिशन होना। तो जब इथेनॉल में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एल्केलाइन के एम एन ओ फोर काम करता है तो यहाँ पे ये एड होके इथेनॉल क्या बन जाता है, इथेनोइक एसिड, यानी कि ये एल्कोहल क्या बन गया, एसिड बन गया। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जबकि दो कार्बन इधर लगे हुए हैं तो इथेनोल, दो कार्बन इधर लगे हुए हैं जबकि ओइक ग्रुप लग गया तो इथेनोइक एसिड, और वाटर रिलीज कर दिया। देन इसकी सोडियम के साथ रिएक्शन होती है, ये इथोक्साइड बना देता है, ये सॉल्ट बना दिया इसने, सोडियम सॉल्ट बना दिया, एच ग्रुप को रिप्लेस कर दिया एनए ने, और हाइड्रोजन रिलीज हो गई गैस की फॉर्म, ये बन जाएगा सोडियम इथोक्साइड। ठीक है, देन अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ये रिएक्ट करता है, दैट इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन, तो इसमें क्या होगा कि इसमें क्या होगा, ये हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा एट 443 केल्विन टेम्परेचर, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा हमारा एल्कीन, है ना, डबल बॉन्ड लग गया और वाटर रिलीज आउट हो जाएगा। तो ये चार रिएक्शंस हैं जो कि हमारा इथेनॉल देता है, ऑक्सीजन के साथ कंबशन रिएक्शन, देन ये KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, और इसके साथ ये इथेनॉल इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो ये सोडियम सॉल्ट बन जाता है, और अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है, अल्कोहलिक ग्रुप हट जाता है और ये एल्कीन बन जाता है। ठीक है, तो ये इसकी थी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट एक आ जाता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो हम अभी बात कर रहे थे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो इसको कन्वर्ट करता है, इसमें से इथेनॉल में से वाटर को रिमूव कर देता है, वाटर को रिमूव करके एल्कीन बना देता है। तो सब्सटेंसेस जो पानी को रिमूव करते हैं इथेनॉल में से, उसको बोला जाता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन से होते हैं, H2SO4। तो ये किस किस का काम करता है, इसलिए अच्छा सॉल्वेंट है, जो हम बात करें यूजेस किसकी बात करें, यूजेस हैं ये इथेनॉल, इथेनॉल एज अ गुड सॉल्वेंट यूज होता है, एंटीसेप्टिक भी इसका यूज है, टिंचर आयोडीन में प्रेजेंट होता है, ये एंटी फ्रीज के तौर पे ऑटोमोबाइल्स में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा है हमारा, H2SO4, और जो इथेनॉल है ये सबसे अच्छा सॉल्वेंट है जो हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, वाटर में भी सॉल्युबलाइज होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी ये अच्छा मतलब डिजॉल्व हो जाता है। सो दिस इज अबाउट दी इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल की हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इथेनोइक एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले। सो थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।